निकाल देते, बोला अभिशाप तेरे देता हूँ, अभिशाप देता हूँ, तुमने कैसे कैसे की। इसलिए कृष्ण सखाओं के साथ में एक बार भोजन करते थे और जो माता जी बोल रही थी किसी देश का है कोई अभी प्रश्न होता है कृष्ण ये पत्थर के ऊपर क्यों बैठे, और भी बहुत सारे पत्थर थे, बोले वो पूर्व जन्म में भगवान की तपस्या की है किसी राजकुमारी राजकुमारी तपस्या की तपस्या क्या फलस्वरूप उसने यहाँ पर पत्थर रूप में जन्म हुए और भगवान उसकी इच्छा पूर्ण करते हुए वो पत्थर के ऊपर भी कृष्ण बैठे। वहां पर जो कुंड आप लोग ने देखा उसका नाम है खीर सागर है, जिसमें ही कृष्ण सखाओं को साथ में पानी पीते थे, गैया को उसमें पानी में पिलाते थे। इसलिए यहाँ के ब्रजवासी कहते हैं कृष्णा का जो बछड़े सखाओं को जो चोरी करके ब्रह्मा लिया, हो सकता है कभी बोले यहीं से उन्होंने कृष्ण का बछड़ा और सखाओं को उन्होंने यहीं पर कहीं उन्होंने चोरी भी यहीं पर किया है। इसलिए इस तरफ में एक पर्वत है जिसका नाम ब्रह्मासुर गुफा कहते हैं, अभी भी वहां पर बहुत बड़े को गुफा बना हुआ है, हैं? और उसके अंदर में ब्रह्मासुर नाम के एक राक्षस रहता था। एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में यही खेल रहे थे, खेलते खेलते ये खेल खेल रहे थे, कुछ जमीन थी, कुछ लोग तो बन गए जमीन का मालिक और कुछ बन गए मेष मतलब भेड़िया और कुछ बन गए भेड़ को रक्षा करने वाले सखा, कुछ बन गए और बन गए राजा उनका मंत्री। राजा पद में कौन बैठा हुआ, बल्कि कृष्णा, मंत्री पद में मधुमंगल जो लड्डू खाने वाले हैं। ऐसे बन करके आपस आपस में खेल कर रहे थे, खेलते खेलते उसमें बन गए कुछ चोर ने जो मेष बने हुए थे उनको चोरी करके ले गए। जो चोरी करके ले गए मेष का जो रक्षक ना आकर के बोले, बोले देखो राजा के पास में शिकायत की हमारे मेष चोरी हो गई, चोर ने चोरी किया। बोले चोरी किसने किया, उसमें कुछ चोर बने हुए थे, बोले चोरी किसने किया, क्या कर रहे उसका इको था हरे कृष्ण। इसलिए इन लोगों ने चोरी किया, बोले भैया तुम लोगों ने चोरी क्यों किए, बोले हमारे खेती में ये मेष लोग जाकर सारा हमारी खेती खराब कर दिया इसलिए हमने चोरी किया। बोले भैया चोरी करना तो दंडनीय है इसलिए इनको मुझे दंड देना ही पड़ेगा। बोले भैया इनको क्या दंड दिया जाए, और कृष्ण और मधुमंगल एक मंत्री पद में एक राजा पद में मधुमंगल को कुछ बताओ उनका दंड क्या दिया जाए, और ब्राह्मण पेटू ज्यादा खाने में लोभी होते हैं ना, बोले इनको लड्डू खिलाना पड़ेगा, इनको लड्डू सबको खिलाना पड़ेगा। इसलिए यहीं पर ऐसे ही बचपन में बच्चे लोग जैसे खेल करते हैं यहीं पर खेल कूद कर रहे थे, इसी सूचक पा करके ब्रह्मासुर आ गया और आ करके कृष्ण का जो एक एक सखाओं को पकड़ पकड़ कर लेकर के अभी भी एक गुफा है यही से आपको दिखाई पड़ेगा, वो गुफा को अंदर में बंद करके और बहुत बड़ा शिला खंड को उसमें बंद कर देता था और एक सखा को लेकर ले लेकर के बंद करता था आता था। कृष्ण ने देखा भैया एक एक ये सखा का ही गायब होते जा रहा है, इतने में देखा ये ब्रह्मासुर एक एक बच्चों को उठा उठा कर ले जा रहा है और गुफा में बंद कर रहा है। इतने में कृष्ण वो ब्रह्मासुर को पकड़ लिया, पकड़ करके जो मारने के लिए गए इतने में पृथ्वी भी डगमगाने लग गई, डगमगाने लगे तो इतने बलदेव प्रभु ये संधिनी शक्ति की ये अधिष्ठात्री देवता श्री बलदेव प्रभु, इतने में श्री बलदेव प्रभु अपना चरण से ये पृथ्वी को उन्होंने अपना चरण से उन्होंने दबाया जिस समय हिल रहा था। इसलिए अभी हम जाएंगे जब बलदेव प्रभु वो चरण को दबाया अभी भी बलदेव प्रभु का चरण चिन्ह अभी भी है, हम जाएंगे वहां पर जाते समय हम दर्शन करते हुए जाएंगे बलदेव गुरु का चरण चिन्ह है। और जो ब्रह्मासुर जो पहाड़ के ऊपर में कृष्ण कभी गैया चराया करते थे अभी भी बहुत सारे चरण चिन्ह वहां भी पड़ा हुआ है। इसलिए अभी यहाँ पर जब आप लोग 7 दिन में तो पूरा परिक्रमा करना चाहते हो, अभी हमारे साथ में आप लोग देखे होंगे अभी जिस मंदिर से आए ना वहां पर कुछ साधु लोग परिक्रमा कर रहे थे, उसमें कुछ मेरे परिचित कोई लोग था, मैंने कहा क्या कर रहे हो, बोले पैदल में परिक्रमा कर रहे हैं। बोले आपको कितना दिन लगता है, बोले 1 महीना से 1.25 महीना लगता है। मैंने पूछा दिन में कितना किलोमीटर चलते हो, बोले कम से कम तो 20 किलोमीटर अगर दिन में चले तो किसी तरह से 1 महीना 1.25 महीना में ये परिक्रमा किसी तरह से पूरी होती है, लेकिन आप लोग 7 दिन में परिक्रमा करना चाहते हो। जब हम बड़े गुरु जी के साथ में आते थे काम्या वन में हम लोग 3 दिन रुकते थे, जो आप लोग दर्शन करेगा ना बिमला कुंड वहीं पर रुकते थे,
श्री गुरु जी को साथ में अलग अलग स्थान पर जाते थे। हम लोग आने से पहले मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, छोटी गाड़ी में जल्दी आ गया था, और आ गया था तो मैंने कहा यहाँ पर स्थान है, गुरु जी को साथ में मैंने गया था, मेरे को याद आया यहाँ पर सेतुबंध रामेश्वर है, चलो हम दर्शन करते। प्रभु जी गए थे, उनकी पत्नी भी, ये पत्नी भी गई थी, हैं, इसलिए कृष्ण सखाओं के साथ में जब यही खेल रहे थे, खेलते खेलते वहां पर ब्रज गोपियां दूध दही लेकर के आ गए तो इतने में कृष्ण बोल रहे थे गोपियों को, तुम लोग ग्वालिनिया क्या जानते हो मेरे को, जानते हो मेरे कौन हूँ, सत्य जी को मैं वही नारायण हूँ, मत्स्य अवतार में मैंने भेद को धार किया, कुर्म अवतार में मैंने पृथ्वी को धारण किया, ब्रह्म अवतार में पृथ्वी को मैंने रखा की उत्तोलन की। गोपियों ने कहा भैया तेरा ठीक है, अगला तेरा स्वभाव है, ये था तू तो मक्खन चोर, और तुम कौन हो, गैया को पीछे पीछे डोलने वाले, तुम गैया चराने वाले हो। कृष्ण ने, अरे तुम लोग गोपियां हैं, ग्वालिनिया, तुम्हारा महिमा मेरे को क्या, मेरा महिमा क्या जानते हो, हैं? कृष्ण ने कहा तुमको जानते हो, मैंने त्रेता जी को, मैंने रावण को वध किया है, और शत्रुबंध को मैंने बांधा, और ये क्या, बोले अगर तू ही राम था, बोले और क्या, मैं ही तो राम था, दिखाओ राम तो सेतुबंध बांधा था, एक सेतुबंध बनाकर दिखा दे, इतना करके तो दिखा दे, फिर तो तेरे को हम मान जाएंगे तुम राम हो। इतने में कृष्ण सुंदर उन्हें बंसरी बजाई, बंसी ध्वनि सुनकर तो हजार बंदर, पता नहीं कहां से कहां हजार हजार बंदर आ गए, और कृष्ण आदेश दिया यहाँ पर सेतुबंध बांधो, पता नहीं वो कहां गए, और इतनी विशाल विशाल एकदम पत्थर लेकर के आ गए, और पत्थर लेकर के आए, और वहां पर एकदम पत्थर को लगा लगा करके पानी के ऊपर में एक सेतुबंध बना दिया, और भगवान राम ने वहां पर रामेश्वर को स्थापन किया, कृष्ण भी रामेश्वर स्थापन किया, यहाँ पर रामेश्वर मंदिर वहां पर है, हम लोग गए पानी चढ़ाए और सेतुबंध दर्शन किया, और सेतुबंध के ऊपर में चढ़कर भगवान कहाँ गए थे, लंका गए थे, वहां पर लंका है, और वहां पर अशोक वाटिका है, जहाँ पर माता सीता जी जिस अशोक वाटिका में रहती, वो अशोक वाटिका है, लेकिन करी करी मैं सोचा था नजदीक आपने भूल गया था, लेकिन चलते चलते खत्म नहीं हो रहा था, कितना दूर चले गए थे, डेढ़ दो किलोमीटर तक चलते चलते गए, मैं सोच रहा था अगर पास में होगा ना, अब सबको मैं ले चलूंगा, मैंने कहा यार 2 किलोमीटर चलना और 2 किलोमीटर आना बड़ा कठिन है, फिर तो हमारी सारी दर्शन हमारी बंद हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर बहुत बहुत लीला हुई। पास में और जगह पर हम नहीं गए, जहाँ पर कामेश्वर महादेव है वहां पर हम नहीं गए, यहीं पर ही पांचों पांडवों को ने यहीं पर उन्होंने अज्ञात वास किया है, यहीं पर पंचों पांडवों ने यहीं पर निवास की, और निवास करते समय हम लोग को पता होगा कैसे, हम लोग को पता होगा कैसे यहीं पर श्री दुर्वासा ऋषि आए हैं, पहले तो दुर्योधन के पास में गए, दुर्योधन खूब खिलाया पिलाया खुश कर दिया, वो शंकर जी का अवतार, क्षण में तुष्ट क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, दुर्योधन तो खुश कर दिया, बोले पर मांगो, अभी वो सोच रहा था पांडव तो वन में गए लेकिन 12-13 साल बाद में फिर वापस आएंगे, किसी तरह से उनको खत्म कर दो, उन्होंने बोले देखो आप जैसे हमारे ऊपर में कृपा की ना, यहाँ पर मेरे हमारे भैया पंच पांडव भी यहीं पर रह रहे, आप भी सारे शिष्य प्रशिष्य लेकर के जाओ, उनके ऊपर में भी कृपा करो, बोले कब भेजे, दुर्योधन को ये पता था सूर्यदेव ने द्रौपदी को एक पात्र दिया है, अक्षय पात्र दिया, जब तक द्रौपदी नहीं खाती है ना वो सारा दुनिया को खिला देगी, लेकिन जब द्रौपदी खा लेती है फिर तो और किसी को नहीं खिला सकती, और गुप्तचर के द्वारा संधान कर रहा था कब द्रौपदी भोजन कर ले, पहले पांडवों को ऋषि मुनियों को खिला करके द्रौपदी जब भोजन कर दी फिर दुर्वासा जी को भेज दिए, और दुर्वासा को देख करके पांच पांडव तो हिल गए, बोले हे भगवान ये काल कहां से आ गया, क्योंकि शंकर जी का बता रहे ना, इतने में जल्दी जल्दी जाओ द्रौपदी को पूछो क्या उसने भोजन कर चुकी है, द्रौपदी बोली सब लोगों को खिला करके मैं तो लास्ट में खाती हूँ, है लास्ट में खाती हूँ, मैंने खा पी करके बटोले को धो धा करके लग दिया, बोले सर्वनाश हो गया, दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर के आई, लगता है आज हमारे प्राण गया, बोले जाओ एक काम करो आप लोग ये विमला कुंड में नहा करके आओ, हम व्यवस्था करते हैं, पांडव लोग द्रौपदी बैठी गई, बोले देखो द्रौपदी जब भी कृष्ण हम सबको प्रेम करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं, तेरे को, इसलिए तेरे को कृष्ण सखी बोल करके संबोधन करते हैं, अभी तुम बुला अभी कृष्ण को, वही केवल हमारी रक्षा वही कर सकते हैं, द्रौपदी आंख को बंद करके हे श्याम सुंदर, हे भक्तों को रक्षा करने वाले, हे प्राण प्रियतम,
हे कृष्णा, हे दीनबंधु, हे भक्तों के दुख से दूर करने वाले, आंखों से आंसू बहाते हुए जब उन्होंने कृष्ण का स्मरण की, बोले मैं तो मेरे लिए चिंता नहीं करती हूँ, ये पांडव तेरे ही भक्त है, तू तो अपना भक्तों पर रक्षा करने के लिए आ। इतना बोलते कृष्ण कहां पर, द्वारका में अमर सिंह रुक्मिणी छापान भोग छत्र से भजन सामने रखी हुई। इतने में द्रौपदी का आवाज टकराई कानों में, आते ही कृष्ण आया हुआ थाला को उन्होंने सरका दी। रुक्मिणी बोली भोजन करो, बोले नहीं आज अपना सखी के घर में हम भोजन करेंगे। बोले खाना अगर छोड़ करके जाओगे ना कहीं भी खाना नहीं मिलेगा। बोले मेरे पास में समय नहीं। कृष्ण वायु से भी तेज गति से कृष्ण यहीं पर पहुंचे, आकर बोले द्रौपदी 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 बोली भैया कृष्ण कहाँ से आ गए, कृष्ण तो द्वारका में, यहाँ कैसे आ गए। और आग खोल करके देखते ना सामने कृष्ण खड़े हैं। इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी जैसे तो कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, लगता है तुम लोग बड़े बड़े पंडित हैं। इसलिए उन्होंने द्रौपदी के सामने देखा, बच्चे पांडव द्रौपदी को कृष्ण जब आ गए ना बस दुख हमारी सब दूर हो गई। इतने में कृष्ण आते ही बोले देखो द्रौपदी मैं छापान भोग छत्रीस बजे छोड़ करके आया हूँ, जल्दी जल्दी कुछ भोजन लाओ। बोले प्रभु आपको तो इसलिए बुलाए क्योंकि जब तक मैं नहीं खाती ना सारा दुनिया को मैं खिला सकती हूँ, मैं खाने का बाद फिर किसी को नहीं खिला सकती हूँ। बोले द्रौपदी पहले भोजन कराओ उसको बाद में फिर बात करो। बोले सबको जो खा करके धो धा कर रख दिया, बोले लाओ तो सही पात्र। अभी कृष्ण की माया देखा, एक केवल अन्न का दाना लगा हुआ, बोले एक गिलास पानी लाओ। एक किनका अन्न खा करके एक गिलास पानी पीकर जब डकार तोले, इतने में बोले अगर मेरा नाम विश्वभर हो मैं संतुष्ट हो गया, विश्व ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाए। और ऋषि लोग जो स्नान कर रहे थे ना देखा पेट इतना बड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा बड़ा पेट हो गया। बोले भैया क्या हो गया, हम तो खाए नहीं, इतना पेट भर गया कैसे। कहते इतना पेट भर गया हजमोला खाने का भी हिम्मत नहीं था। इतने में कृष्ण बोले जाओ ऋषियों को बुला करके लाओ। बोले प्रभु ये ऋषि नहीं ये काल है, ये काल को क्यों नौता करते रहे हो। बोले भीमसेन गदा लेकर के जाओ। जब भीमसेन गदा लेकर के आया दूर से देखे, बोले भैया जरूर खाने पीने का व्यवस्था किए होंगे लेकिन हजमोला खाने का भी हिम्मत नहीं है, इसलिए भागो यहाँ से। कोई मोहल्लों में कोई जन भाग नहीं पा रहे थे। और जब यहाँ पर भीम से आया ना तेरा मैदान खाली, और जाते समय क्या वरदान देकर जा रहे थे, दुर्योधन भेजा था इनको मारने के लिए, उन्होंने उल्टा उन्होंने अभिशाप दिए एक दिन ये दुर्योधन का वंश समाप्त हो जाए। दुर्वासा शंकर जी का बता ना संहार करने वाली का वंश ध्वंस हो जाए और तुम लोग फलते फूलते रहो। इसलिए ये लीला यहीं पर हुई थी, यहीं पर पंच पांडव आकर के जब द्रौपदी को प्यास लगी पानी के लिए भेजे। तो अब लोग सब कथा जानते हो, पहले भीम गए और एक बकर रूपी धर्म प्रश्न किया, सावधान देखा भैया कौन, बोले के बगुला। बोले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो फिर पानी पी सकते हो। बोले बगुला का उत्तर देकर हमें पानी पीना मिलेगा, फिर को पता नहीं मैं कौन हूँ। जो जबरदस्ती पानी पीने गए तो वहीं पर भेस, चारों को चार भाई भस हो गए। जब युधिष्ठिर महाराज आए जब पानी पीने के लिए गए, बोले सावधान पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो फिर पानी पियो। तो बोले इनकी अवस्था ऐसे की हुई, बोले ये सरोवर मेरे ही, मेरे इच्छा के बगैर पानी पीने गए तो इनका दुर्दशा होगी, अगर आप भी जाओगे ना आपका भी यही दुर्दशा होगी। अरे बताओ क्या प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न की, उसमें तीन चार प्रश्न विशेष है। एक प्रश्न था इसका, एक प्रश्न था का पद था, क्या प्रश्न था का पद था। बोले वास्तव रूप में मार्ग किया है, इसको उत्तर दिए। बोले बेटा विहीरना स्मृत विहीरना नासो मुनिर्जस मतम न भिर्नम धर्म सतत्व नियत गुहायाम महाजेन जेन गतस पता। देखो ये चीज को अच्छे तरह से सुनो, लोग कुछ कहते ना जितना मत है उतना पथ, बोले नहीं जितना मत उतना पथ नहीं, हमारे वेद परंपरा गुरु परंपरा से जो मार्ग आया है वही केवल मार्ग है। वेद अलग अलग पुराण अलग अलग, ऐसे कोई ऋषि मुनि नहीं जिसका मत ही अलग नहीं, लेकिन जो धर्म का तत्व है ना बड़ा गोपनीय है।
महाजनों ने जिस मार्ग पर गए वो मार्ग ग्रहण करनी चाहिए। बोले भैया महाजन मतलब क्या? जिसको ज्यादा पैसा है। इसलिए जब महाराज स्वयं कहते हैं स्वयं भू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि भयासक्रम भयम्, जब महाराज कह रहे अपना को हम ये 12 केवल महाजन हैं, इन लोगों ने जो मार्ग में गए वही सही और जितने मार्ग सब गलत मार्ग है, सारे मार्ग गलत है। दूसरा प्रश्न था ये बताओ जगत में सुखी कौन है, जगत में सुखी कौन है? उसका उत्तर देते हैं कद अप्रवास। अप्रवास मतलब होता है जो व्यक्ति अपना घर छोड़कर और कहीं सोए नहीं, सोए तो कहां पर सोए, अपना घर में। और अरिणी जो कभी ऋणी नहीं हो, अरिणी अप्रवास कहते हैं। और दिनांत दिन को अंत में किसी तरह से साग भात खा करके रोटी खा करके जो पेट पाल लेते हैं और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी कहते जो घर छोड़कर बाहर नहीं रहते, कहते हम तो घर में रहते हैं। कहाँ रहते हो? अपने घर में रहते हो ना। कहते भैया हम जिसको घर कहते हैं ना वो हमारी घर नहीं, हम तो रिफ्यूजी हो करके हम केवल 2 दिन के लिए यहाँ पर आए, हमारा घर हमें छोड़ना पड़ेगा। असली घर कहाँ पर है? ठाकुर जी की चरण में असली घर है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जत गत्वा न निवर्तते धाम परम भव, और जीव यहाँ जाने पर परम शांति परम आनंद कहाँ मिलता है? ठाकुर जी की चरण में मिलता और कहीं नहीं। बोले अरिणी जो कभी ऋणी नहीं हो, कहते हमने तो कोई ऋणी है नहीं। बोले नहीं, कहते ये जगत में आओ तो 6 तरह का ऋणी को सबको स्वीकार करना पड़ता है। कितना ऋणी? क्या क्या बोलो, जोर से बोला। इसलिए यहाँ पर भागवत में बताया 6 ऋणी है, एक देवताओं का ऋणी है, एक ऋषियों का ऋणी है, एक पिता माता का ऋणी है, एक परिवारों का ऋणी है, एक राज ऋणी है। कहते हम 6 तरह का ऋणी में इस जगत में आवत है, लेकिन केवल माता की इतना ऋणी है जिनता की अगर माता को सेवा करोगे ना तभी आप ऋणी से मुक्त नहीं हो सकते। इतना ऋणी माता